गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 जून। 3 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी, हम उस जानकारी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम रोज़ाना करते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? सर 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। माइंड में क्वेश्चन बना, सर सबसे पहले कब मनाया गया? मैंने कहा ये 2001 में मनाया गया था, 1 जून 2001 को विश्व दुग्ध दिवस। सर विश्व दुग्ध दिवस, एक हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी पढ़ा है, एक राष्ट्रीय दिवस, अंतर क्या होता है इन तीन दिवस में? मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो एक या दो या तीन देशों में मनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड उसे मनाए। विश्व दिवस होते हैं इसे पूरा विश्व मनाता है। राष्ट्रीय दिवस जो होता है सर, वो पूरा एक राष्ट्र मनाता है, जैसे इंडिया वाले इंडिया में, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में। ठीक है सर, अच्छी बात है। मैंने कि ये है ना दूध दिवस है ना, ये राष्ट्र में अपने यहाँ मनाया जाता है 26 नवंबर को। सर क्यों मनाते हैं? हमने कि इसलिए मनाते हैं ना, ये दूध से क्या क्या मिलता है आपको, वो जन जन तक पहुंचाया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूध नहीं मिलता है ना। सर दूध से फ़ायदा क्या होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बायोलॉजी में जब भी पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताया करें, कमेंट तो आप करते ही नहीं, कसम खाई है आपने। आपके सामने जब भी एक गिलास दूध आए, दूध से इतने क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, कृपया आप बताएं प्लीज़। जब भी आपके सामने एक गिलास दूध आएगा, आपके माइंड में सवाल बनना चाहिए, सर ये दूध है ना, ये मीठा कैसे लगता है? मैंने कि मीठा लगता है ना आपको दूध? कि हाँ सर लगता तो है, हमने कि इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है ना, उसी के कारण लगता है। गजब बात कर दी सर। हमने कि अच्छा सर इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है? हमने कि हाँ प्रोटीन मिलता है ना दूध से, कौन सा नाम है सर? हमने कैसीन नामक प्रोटीन है। अच्छा सर इसका रंग जो सफ़ेद है ना सर, हमने देखा है भैंस का दूध और गाय का दूध अलग अलग होता है। जो भैंस का दूध होता है वो सफ़ेद होता है, गाय का दूध सर थोड़ा पीला होता है। हमने कहा अच्छा भैंस का दूध जो सफ़ेद होता है ना, उसमें वो प्रोटीन पाई जाती है ना कैसीन, उसी की वजह से होता है। गजब बात कर दी सर। और हमने कहा जो गाय का दूध होता है ना वो पीला होता है ना, उसमें कैरोटीन एक कारक पाया जाता है सर, उसके द्वारा होता है। और सर दूध हमारे सामने रखा है ना, तो माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, सर सारे क्वेश्चन बता देना आपको, कि गजब बात हो जाएगी। हमने की तो सुनते रहें सर, उसमें एक जीवाणु भी पाया जाता है, उसकी वजह से ही तो दूध खराब होता है। सर क्या नाम है? हमने की लैक्टोबैसिलस नाम है, उसी की वजह से साथियों आपका दूध दही में जम जाता है। सर मजा आ गया। हमने की अभी तो सुनते रहो ना। और सर दूध हमारे सामने रखा है ना, माइंड में चल रहा है दूध एक गिलास सामने, ये एक प्रकार का सर पायस विलयन होता है। हाँ सर ये तो कई बार एग्जाम में आया है। हमने कि सर दूध को खराब और शुद्ध और खराब बताते हैं ना, उसको मापने के लिए सर लैक्टोमीटर होता है, एक यंत्र होता है, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। गजब बात कर दी सर। हमने कि इसमें विटामिन नहीं पाया जाता है मित्रों, किसमें? दूध में। अच्छा सर इसमें कोई एंजाइम भी पाया जाता है? हमने यहाँ पाया जाता है। कि क्या नाम है सर? हमने कि रेनिन नाम है। कितने क्वेश्चन बने साथियों ये दूध से, सर इनको याद कैसे करेंगे? हमने कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया है ना आपने, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी सर, ये वीडियो को पॉज करके जो मैंने बताया है उसे लिख लिया होगा, फिर भी मैंने साथियों के लिए लिख करके दिया है। मीठा लैक्टोज शर्करा के कारण होता है, प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, इसी के कारण सफ़ेद होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है, और लैक्टोबैसिलस है इसके कारण इसमें दही में बदल जाता है और ख़राब भी होता है। ये पायस विलयन कहलाता है, इसकी शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, इसमें सर विटामिन नहीं पाया जाता है, इसमें सर एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम सर रेनिन है। गजब बात कर दी सर। बढ़े सर अगले क्वेश्चन पर। ओके सर, ये वर्ल्ड मिल्क डे है जो 1 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मन की बात में कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जारी की है? सर वीडियो प्रतियोगिता? हमने कि बिल्कुल, मोदी को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? आप टिकटॉक पर लगे रहते हैं, मोदी जी ने कहा हमारे साथ आओ ना, कि क्या करेंगे, कि मेरा जीवन मेरा योगा।
माई लाइफ माई योगा शुरू करते हैं कि सर क्या 21 जून को योग दिवस है ना, छठवां मना रहे हैं ना हम। कि हाँ सर, आप वीडियो बना करके डालें। सर वीडियो? हमने की बिल्कुल, योग करें, अच्छी वीडियो लगेगी तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, सेकंड में 50,000 मिलेगा, थर्ड में आपको 25,000 मिलेगा। टिकटॉक में लगे रहते हो, वीडियो डालने डाल डाल दे, इस पर डालें वीडियो तो 1 लाख मिलेगा, टिकटॉक पर कुछ नहीं मिलेगा। क्या चलाइए प्यारे मित्रों? मेरा जीवन मेरा योग। अच्छा, कितना अच्छा काम है। ये है ऐप जो डाउनलोड करके आप इस पर वीडियो डाल सकते हैं। ओके सर, हाल ही में COVID-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? प्यारे साथियों, राज्य बना है 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला, पूरे देश को चलाने वाला, उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश तो कई बार पढ़ा है हमने, कि एक बार फिर रिवीजन कर लेना। राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 है। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है सर? जियो टेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य है सर। प्रवासी रात मित्र ऐप भी आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। बट आप लोगों ने तो भाई डाउनलोड भी नहीं किया होगा। ये है उत्तर प्रदेश के मेले। कुछ साथियों को इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो है ना पूरा मैप है, छोटा लगता होगा आपको। हम अलग से यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, हम तभी पढ़ाएंगे। ये प्रयास हमारा शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैंने किया है अच्छा, किसी ने कमेंट किया ही नहीं है। चलिए साथियों, पढ़ लेना फिर भी आप, हम अलग से यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तब अच्छे से पढ़ाएंगे। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? सर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हमने की और क्या है कि रोजर फेडरर बने हैं। सर ये कहाँ के हैं? हमने की इनको नहीं जानते हो, ये स्विट्जरलैंड के हैं। कितना सर कमाते हैं ये? मैंने कहा इन्होंने कमाया है 106 मिलियन डॉलर। अच्छा सर, 106.3 मिलियन डॉलर कमाया है। सर इंडिया में कौन है? हमने की विराट कोहली। सर सेकंड नंबर पर कौन है? हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अच्छा सर, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। ओके, ये हैं आपके रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल के जीवन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सर 445, जल जीवन, हमने कि घर घर तक जीवन जल को पहुंचाना, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। किसको दिए? छत्तीसगढ़ को दिए। छत्तीसगढ़ जानते हैं ना आप कहाँ पर है? कि हाँ सर जानते हैं ना हम छत्तीसगढ़। ये रहा प्यारा सा छत्तीसगढ़, ये वाला। अरे वही छत्तीसगढ़ है ना जिसने राजीव गांधी न्याय योजना चलाई है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से भैया करता है, झारखंड से करता है, और ये अपना पड़ोसी है ना जैसा लगता है, इसकी सारी चीजें जानते हैं। उड़ीसा से भी करता है सर, आंध्र प्रदेश से सर, तेलंगाना से। ये प्यारा सा छत्तीसगढ़ है, राजधानी इसकी रायपुर है। यहीं पर 445 करोड़ रुपए किसने दिए हैं सर? केंद्र सरकार ने दिए हैं। ये रहा छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लोकसभा सीटें 11 हैं सर, राज्यसभा सीटें 5 हैं, विधानसभा 90। एक बार टेस्ट लेंगे हम इसका, याद करना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरु घासीदासी जिसे संजय भी कहते हैं, और राजीव गांधी न्याय योजना अभी करंट में चली है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने 56 नए CNG स्टेशन को देश को समर्पित किया है? सर CNG स्टेशन, वो CNG स्टेशन हमने कि हाँ, आपके पेट्रोलियम मंत्री हैं ना धर्मेंद्र प्रधान, जानते हैं ना आप इनको? हाँ सर जानते तो हैं, इनने ही दिया है 56 नए CNG स्टेशन। ये रहे धर्मेंद्र प्रधान। ओके सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड ने किन देशों को युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के लिए चेतावनी दी है? सर आज में आपने विश्व नहीं घुमाया है, हमने कि अभी तोपे फड़वाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? संयुक्त राष्ट्र कमांड, सर हमने एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो पढ़ी थी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र कमांड कहाँ से आ गया? हमने कि है ना ये सर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के समझौते की बात करता है भैया, इनमें लड़ाई ना हो जाए कहीं, क्योंकि भैया उत्तर कोरिया चाइना के साथ है, दक्षिण कोरिया किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। अच्छा सर ये बात है ना, हमने बिल्कुल, आप जो सैमसंग का मोबाइल चलाते हैं ना, एलजी की जो एलसीडी देखते हैं ना सर, ये सारे सामान कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। तो ये सैमसंग कंपनी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की।
अच्छा सर, दक्षिण ये यूनाइटेड जो स्टेट कमांड है सर, 1950 में बनी थी, स्थापना की गई थी सर। इसका मुख्यालय टोक्यो, टोक्यो कहाँ पर है सर? जापान में, हम जानते हैं, जापान के होकाइडो, होइशु, सिकुकु, क्यूशु, पढ़े थे ना आइसलैंड हमने, यहाँ सर पढ़े थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मेरे प्यारे मित्रों, ये कहता है 1950 में ये समझौता हुआ था इन दोनों देशों में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में। इन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है ना, आपने पढ़ा हो DMZ, पढ़ा है सर? DMZ सर क्या होता है, हमने अभी दिखा देंगे। डीमिलिटराइज्ड जोन होता है, मतलब सर गैर सैन्य क्षेत्र। सर समझ में नहीं आया, हमने कि समझ आएंगे ना, गैर मतलब यहाँ कोई सेना नहीं लगेगी। अच्छा सर, उसी को कहते हैं गैर सैन्य क्षेत्र हमने, और क्या है सर? इन्होंने कसम खाई थी, क्या कसम खाई थी कि भैया हम गैर सैन्य क्षेत्र में ना हम हमला करेंगे ना आप करेंगे, कोई गोलीबाजी नहीं करेगा। सर बात क्या हुई, जो गैर सैन्य क्षेत्र है ना उसमें इन्होंने हमला कर दिया, जबकि इन्होंने शपथ खाई थी संयुक्त राष्ट्र कमांड में सर कि हम एक दूसरे से हमला नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा भैया आप सुनो ना, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, आप शपथ ले गए हैं, भगवान की कसम खा गए हैं आप कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, और आप भैया गोलीबाजी कर रहे हैं, ये गलत बात है ना आपकी, तो चेतावनी दी है ऐसा नहीं करना है आपको। कि अच्छा ये है बात सर, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया कहाँ है, मैंने कि हम दिखाते हैं, ये है आपका यूनाइटेड स्टेट कमांड जो टोक्यो जापान में है सर। अब चलते हैं दक्षिण कोरिया पर जहाँ हमला हुआ है सर, ये है नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी है सर प्योंगयोंग। अच्छा ये ऊपर जाती है यालू रिवर, ध्यान रखना है आपको। इधर है सर येलो सी, दिख रहा है ना आपको, इधर है सर सी ऑफ जापान। अच्छा उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया सर जो है ना, उत्तर कोरिया साउथ कोरिया है वो, मतलब पीला सागर और जापान सागर के मध्य में है। नहीं बिल्कुल दिख नहीं रहा है आपको, ये क्या जापान प्यारा सा? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा ना आप। ये सर जो उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग कर रहा है ना, ये कौन सी लाइन है, इसे बोलते हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैंने कहा हाँ पूछी गई है साथियों, 38 पैरेलल लाइन बोलते हैं इसे, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, इसकी प्योंगयोंग है सर, मैंने कि बिल्कुल। ये है सर डी मिलिटराइज्ड जोन, DMZ कहते हैं इसे, यहाँ पर किसे ही कहते हैं गैर सैन्य क्षेत्र। इनने भी गोली मार दी भैया, और इनसे इनकी तरफ से भी गोलीबाजी होने लगी। तब यूनाइटेड स्टेट कमांड ने कहा भैया आप लोगों ने शपथ खाई है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप लोग समझदार हैं ना। ओके बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर, यह है बात साउथ कोरिया उत्तर कोरिया की बात करता है, ठीक है सर? ओके सर अच्छी बात है, चलें सर आगे। ये है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण रियाई वॉन है, राष्ट्रपति मून जे इन है, मालदीव एशिया किसके मध्य में है, पीले समुद्र जापान समुद्र के बीच में स्थित है, 38 पैरेलल लाइन इनको दोनों को अलग करती है। चीन ने किस देश में थार्ड मिसाइल प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जताई? सर ऐसा नहीं लगता है कि चीन तो हर चीज में आपत्ति जताता है, मैंने कि भाई ऐसा है ना, चीन सबको हड़प नीति चालू कर दी है, चीन बहुत तेज है, आप क्या समझ रहे हैं, हल्के में ही ना चीन को, चीन देखता है कहाँ से कहाँ राजनीति करनी चाहिए। सर थार्ड मिसाइल प्रणाली पर आपत्ति जताई है, मैंने कि हाँ किस देश में? सर हम आपको बता देना, ये जो थार्ड मिसाइल है ना वो दक्षिण कोरिया में लगी हुई है सर, दक्षिण कोरिया में लगी हुई है। ये मिसाइल है किन की, हमने की ये ट्रम्प अंकल की है। अरे सर ट्रम्प अंकल ने दक्षिण कोरिया में मिसाइल खड़ी कर दी है, मैंने कि और क्या समझ रहे हैं आप। अब आपको इसकी कहानी और इतिहास भी तो बताएंगे हम अभी कि हाँ सर बिल्कुल इतिहास जानना चाहिए। सर ये जो थार मिसाइल है ना, इसकी तो गजब ही बात है सर, ये जो थार की स्पेलिंग है ना THAAD सर, इसका मतलब जानते हैं ना आप, टीका हमारा पेन तो चलता नहीं है इतना, तो कष्ट आपको लेना ही पड़ेगा भाई हमारे साथ। टीका मतलब होता है सर टर्मिनल। अच्छा सर एच का मतलब हाई है इसकी, और ए का मतलब एल्टीट्यूड। सर हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पढ़ा है, एल्टीट्यूड क्या होता है हमने कि हम पढ़ाएंगे, हमने डिटेल नहीं पढ़ाया था थोड़ा आपको, एल्टीट्यूड होता है ना साथियों ऊंचाई कहते हैं जैसे। अच्छा और ए माने एरिया, डबल ए है ना, और डी माने डिफेंस है इसकी, रक्षा करता है सर। ओके सर, चीन ने थार्ड में मतलब अमेरिका ने सर दक्षिण कोरिया में ये मिसाइल खड़ी कर दी सर, क्यों? चीन को देखने के लिए,
चीन पर हमला करेगा क्या अमेरिका? सर नहीं, हमला नहीं करेगा, बट ये देखेगा कि चीन के घर में चल क्या रहा है, क्यों दक्षिण कोरिया है ना पड़ोसी है, और चाइना भैया दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका के साथ है। कहानी समझ रहे हैं ना आप लिंक करके? सर बात ऐसी हुई ना, चीन ने सोचा कि अमेरिका के जो ट्रम्प अंकल हैं हमसे बौखला गए हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपको पता है, तो ऐसा करते हैं इनकी जो थर्ड मिसाइल लगी है ना दक्षिण कोरिया में, इसको हटवा देते हैं। कि सर कैसे हटवा देंगे? तो सर जो दक्षिण कोरिया का जो वो है ना, क्या सर इनकी जो कंपनी है एलजी है, हाँ सर एलजी है, और सर ये जो अपना सैमसंग मोबाइल है इनको चाइना ने बंद कर दिया है। भैया जब इनके पैर तोड़ देंगे ना हम दक्षिण कोरिया वालों के, फिर कहेंगे इनसे हम आपका सामान तब लेंगे ना, कि कब लोगे? कि जब आप ट्रम्प अंकल की जो है ना वो थर्ड मिसाइल ले रखी है आपने, ठेका ले लिया है ना उसका खड़ा करने के लिए अपने देश में, हटवा दो पहले तब लेंगे ना हम। अरे गजब बात कर दी भाई, अच्छे लोग हैं आप। हाँ सर ऐसा ही होता है, पहले ये देखते हैं किस चीज़ को हटाया जाए तो किस चीज़ को वहाँ पर उसका परिणाम मिलेगा। इन्होंने देखो कितनी अच्छी रणनीति सोची, दक्षिण कोरिया से जितना भी ट्रेड होता है ना आयात निर्यात सारा बंद कर देंगे, दक्षिण कोरिया का सामान बिकेगा नहीं। दक्षिण कोरिया से कहेंगे भैया सुन लो दक्षिण कोरिया वाले हो, आप पहले अंकल की वो हटवा दो मिसाइल जो तोप खड़ी कर लिया ना, ठेका ले लिया है। हाँ सर, सर ये मिसाइल है क्या? मैंने कि ये जो एक कंपनी है लॉकहेड मार्टिन नाम से कंपनी है अमेरिका में, और मैं बता दूं साथियों ये इतनी सटीक निशाना बांधती है कि सर करती क्या है, हमने बताते हैं अभी आप दिखाएंगे अभी मिसाइल होती क्या है। भारत ने भी ऐसी मिसाइल लेने के लिए साथियों मांग की है, किससे की है सर? रूस से की है, उसका नाम क्या है सर? S-400 है। अमेरिका ने कहा हमसे, किससे? भारत से, आप रूस से नहीं लो, आपने अमेरिका ने आपत्ति जताई। तो भैया भारत वालों ने कहा, अमेरिका ने कहा हमसे हम कास्टा एक्ट लगा देंगे, कास्टा एक्ट कहते नहीं है कि, हाँ भारत ने कहा भैया लगा दो, हम रूस से S-400 मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब दिखा देते हैं हम आपको थर्ड मिसाइल, आपको बैकग्राउंड समझ में आया क्वेश्चन का, थर्ड मिसाइल है क्या? अब दिखाते हैं सर ये कैसा निशाना बांधती है, कितनी सटीक निशाना बांधती है ये। सर आपने अभी पढ़ा मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना है, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, यहाँ बीच में ये है सेंटर जिसे हम DMZ कहते हैं सर, डीमिलिटराइज जोन है, गैर सैन्य क्षेत्र है, यहाँ पर गोलीबारी हुई है कि ठीक है सर। आप देख रहे हैं ना ये हैंचेंग, बिल्कुल सर सुना सुना सा नहीं लग रहा है, यहाँ लग तो रहा है सर, यहाँ तक देखना ये जो है ना यहाँ तक रेंज फैलाता है सर, कौन रेंज फैलाता है मैंने कि दिखाएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ तक देखना चारों तरफ लग रहा है कि पूरा ये एरिया में इसकी रेंज चल रही है, लग तो रहा है सर ये किरणें ऐसी फैली हुई हैं, हमने कि हाँ। अब इस वाले मैप को देखना साथियों ध्यान से, ये है ये वाला मेरे प्यारे मित्रों, ये ट्रक सा खड़ा है ना ये क्या है सर? ये मैंने कि ये रडार है, रडार को जानते हैं आप? हाँ सर जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है, मैंने कि बिल्कुल। रडार का मतलब क्या होता है साथियों? जब किसी भी क्षेत्र में हम उस विकिरणों को भेजते हैं, वो विकिरणें वापस आती हैं टकरा करके और बता देती हैं कि आपके क्षेत्र में ये वाली गतिविधि हो रही है। कि सर बिल्कुल सही बात है, आप देख रहे हैं ना इस वाले ट्रक पर तो इनने खड़ी कर दिया रडार, कि ठीक है ये रडार तुरंत बता देती है ऊपर जाकर के साथियों, ये जो एरोप्लेन जा रहा है ना लड़ाकू विमान, कि हाँ सर इसमें जाकर के टकरा करके तुरंत यहाँ बता देती है पहले ही कि भैया सुनो तैयार हो जाओ, किस लिए? कि आपके क्षेत्र में आ रहा है लड़ाकू विमान लड़ने के लिए। ये तुरंत सूचना इस वाले ट्रक को दे देता है, देख रहे हैं ना ऑपरेशन सेंटर है, ये वाला तुरंत इसको दे देता है। इस पर क्या रखी है ये साथियों? तोप रखी है। अरे सर गजब बात कर दी आपने, तो बिल्कुल डायग्राम समझा दिया मैंने, कहा देखा ना ये थर्ड इंटरसेप्टर है, यहाँ पर लगा हुआ है ये ट्रक पर तोप, ये रडार सूचना देती है इसको, सेकंडों पल्सों की बात है मेरे प्यारे मित्रों, ये तुरंत सूचना देती है इसको, ये तुरंत हमला कर देता है और ये छोड़ देता है थर्ड को, थार आई यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर लड़ जाते हैं और ये खत्म भी हो जाते हैं साथियों, पहला ला कर चलते हैं। ये बात समझ में आई सर? सर मिसाइल है ना, मैंने कि हाँ। आप जानते हैं कुछ साथियों के सर क्या, मैंने कि मिसाइलें भी दो तरीका की होती हैं सर, बता दो कैसी होती हैं, हम तो जानते ही नहीं है। हमने कि सर एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। सर दो प्रकार की, अंतर क्या है सर? मैंने कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना वो परवलाकार चलती है सर। अच्छा सर, ये दूर तक भेजना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करते हैं, लिख लिया करें आप। तुलनात्मक ये स्लो होती हैं सर, बहुत धीमे चलती हैं थोड़ा।
अच्छा सर, क्रूज मिसाइल होती है ना वे नज़दीक के लिए होती हैं सर, और बहुत फास्ट चलती हैं। जो ब्रह्मोस है ना अपनी क्रूज मिसाइल है सर। बिल्कुल सर, एंटी सैटेलाइट बनाते हैं ना हमने, मैक नंबर पढ़ाया था ना आपको, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और स्पीड ऑफ साउंड होता है, मैक संख्या निकालते ना, जब कोई मैक संख्या साथियों एक आती थी तब ट्रांसोनिक कहते थे। एक संख्या से सब सोनिक, सुपर सोनिक, हाइपर सोनिक, याद करो आपको पढ़ाया था पहले, ये वाला क्वेश्चन है साथियों। तो ये बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल, बढ़ते हैं इसको देखे थोड़ा फिर ध्यान से, धीमे धीमे आपको पूरा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है रडार, जैसा मैंने आपको बताया रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग है। ये रडार से यहाँ पर इस विमान से जैसे ही विमान एंट्री करा हमारे क्षेत्र में, हमने भैया दक्षिण कोरिया में लगा रखा है, ये आया ध्यान से समझना। और इस ट्रक ने यहाँ पर देखो कंप्यूटर रडार लगाए, रडार ने बताया दूसरे वाले को, ये तीनों देखो यहाँ पर चार लिखे हैं, सिस्टम पढ़ना है आपको, इसको बताया देखना कितना सिस्टम लगा हुआ है इस वाले पर, दूसरे नंबर पर इसने कहा सतर्क हो जाओ भैया, तीसरे नंबर वाले आपके क्षेत्र में एंट्री कर रहा है लड़ाकू विमान, कोई भी गतिविधि हो रही है। तीसरा वाला तोप लेकर के खड़ा हो गया, आने दो भैया हम तैयार हैं, तुरंत उसे मार देंगे रास्ते में ही। तीसरे वाले ने इसने सूचना दी इसको, इसने सूचना दी इसको, इसने तुरंत बम फोड़ दी, ये बम आई यहाँ पर, ये इधर से आ रहा, दोनों जैसे आपने देखा नहीं है भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तब इधर से तो उधर से तो ऐसा काम कर दिया कि गजब बात कर दी सर। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने की जो तीर खत्म हो जाते थे ना वैसा ही काम हो गया, देख लो कितनी वही टेक्नोलॉजी है कि नहीं साथियों। बिल्कुल सर, अब बढ़ते हैं सर आगे, आप देखना ये तोप कैसे चलती है, इस तरीका से जाती है साथियों, ध्यान से देखो आप, हम आपके लिए कितना अच्छा प्रयास करते हैं, तो प्लीज शेयर तो बनता है, और आप तो परिवार के सदस्य हैं भाई, हम आप तक जानकारी लेते हैं, हम सब लोग तो मिलकर के मेहनत करते हैं, हम अकेले थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं साथियों, आप हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को लाते हैं वो आप चीज़ों को ले जाते हैं और लोगों में साथियों शेयर करते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा तो आप मेहनत करते हैं, आप परिवार के मेम्बर हैं ना इस वजह से। देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों कैसे चलती है, ट्रक पर रखी है ना, और तुरंत ये बहुत सटीक निशाना मानती है, बताते हैं कि अभी तक इसने कोई एक मिसयूज भी नहीं किया है। बढ़े सर, ओके सर, ये भी देखो यहाँ से बहुत जगह लगे हैं, एक जगह थोड़ी नहीं लगाई है, बहुत सारी जगह खड़ा कर दी है, थर्ड एक थर्ड नहीं है, बहुत सारी थर्ड हैं, देखो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है आकर के। बड़े सर देखा आपने, ये था थर्ड मिसाइल, अब माइंड में कभी आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे सर, क्योंकि ये पिक्चर सेट हो गई है माइंड में। बड़े सर ओके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक किस देश में आर्म्स एम्ब्रोगो जारी रखने का फैसला किया? सर आर्म्स जो एम्बर्गो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बहुत ही बड़ी कहानी है कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा सर। आर्म्स एम्बर्गो होता है इसकी, जब ये लगा दिया जाता है साथियों तो कोई भी देश आयात निर्यात कोई भी चीज़ वेपन हथियार का मतलब आयात निर्यात नहीं कर सकता है सर, आप मतलब हम हथियार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमने किया, आप इतने उद्यमी हो गए हो क्या किया जाए भाई, लगाना पड़ेगा मजबूरी है। तो राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ते हैं ना उनने लगाया है सर। इसमें कितने सदस्य होते हैं हमने कि हम बता देंगे, पहले एक कहानी समझें, ये सर आपने सुना हो पहले एक हमने ऑपरेशन चलाया था संकट मोचन नाम से, संकट मोचन नाम से चलाया था सर किस लिए, ये तो सूडान के लिए चलाया था हमने कि हाँ सूडान की तो बात ही कर रहे हैं हम ना, सूडान में फंसे हुए लोगों को निकालना सर, सूडान में कुछ उद्यम नहीं ज़्यादा होता है हमने कि सूडान में उद्यम ही ज़्यादा होता है, बात ऐसी है ना, जब सूडान में हमारे इंडिया के लोग फंसे हुए थे सूडान में चल रहा था भैया सिविल वॉर, अपना गृह युद्ध छिड़ गया, जब आप पता है गृह की लड़ाई हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, घर की लड़ाई भाई बहुत बड़ी समस्या है आप जानते हैं, तो जब सिविल वॉर चल रहा किस में, सूडान में, तो हमने एक संकट मोचन नाम से, क्योंकि संकट मोचन ये नाम वैसे ही रखे जाते हैं जब कोई दिक्कत आती है ना, भगवान हनुमान लक्ष्मण पर विपत्ति आई तो संकट मोचन गए थे, तो सूडान में संकट मोचन चलाया हमने किस लिए कि उन लोगों को निकालने के लिए, ये बात तो हुई सही। ओके सर, अब बात ऐसी है मैं आपको बताऊं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है सूडान से, सूडान भैया सुनो आप लोग हो ना ज़्यादा उदम मचाते हो ना, आप नहीं तो हथियार लो सकते हो ना बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो 2021 तक, पहले उदम मचा लो आप अच्छे से, तसल्ली से लड़ लो। मैं आपको बता दूं साथियों, दक्षिणी सूडान में चल रहा है अभी सिविल वॉर, एक है दक्षिणी सूडान और सूडान है ठीक है सर, इसमें अभी तक सर 400,000 जाने जा चुकी हैं सर, गजब बात कर दी आपने, 400,000 जान जा चुकी हैं, हमने कहा हाँ कब तक सर जा चुकी हैं ना, मैंने कि सर 2011 से अभी तक 400,000 जाने जा चुकी हैं,
सर 2011 से पहले नहीं, मैंने कि दक्षिणी जो सूडान है ना वो 2011 से ही बना है। अरे सर 2011 से बना है दक्षिणी सूडान, मैंने कि जो ब्रिटिशर्स है ना आप जानते हैं ये इतने खराब लोग थे, इनके बारे में तो इनको भैया क्या बताएं, इतने खराब लोग थे, जिन जिन देशों से ये छोड़ कर गए ना तड़पा दिया है उनको मेरे प्यारे मित्रों, होता नहीं है हमें तड़पा कर चले गए। जब ये जिन देशों को छोड़ कर गए ना, ये इधर हांगकांग को छोड़ गए, देखो युद्ध चल रहा है, इधर ताइवान को छोड़ गए, युद्ध चल रहा है ना साथियों, इधर ये इसको सूडान को छोड़ गए, दक्षिणी सूडान को। सर अभी इसमें चल रहा है गृह वार की नहीं चल रहा है, जुलाई 2011 की बात है सर, तब से ये दक्षिणी सूडान बना है साथियों। अच्छा सर जब ब्रिटिशर्स, बात ऐसी है 1956 का इतिहास देखा जाए, और मैं आपको गजब की बात बता दूं, 4 लाख तो जान गई है ना साथियों, 1.8 मिलियन लोग तो इस देश को छोड़ करके चले गए हैं। अरे सर क्या बात है। नहीं हाँ 1956 का इतिहास उठा करके देखा जाए ना प्यारे मित्रों, दक्षिणी सूडान का तो पहली बार गृह युद्ध हुआ था 1972 और 83 में सर। अच्छा तब दक्षिणी सूडान ने मांग की थी कि हम एक स्वतंत्र देश मनाएंगे, ठीक है सर स्वतंत्र मना लो कोई दिक्कत नहीं, पर युद्ध तो खत्म बंद कर दो ना। तो हमने सेकंड जब सिविल वार हुआ था दक्षिणी सूडान में, तब हमने इनको स्वतंत्रता दे दी। किनको सर? सूडान को। सूडान वालों ने दक्षिणी सूडान को स्वतंत्रता दे दी कि भैया आप लड़ो मत बट अलग देश बना लो, क्योंकि आप बंद ही नहीं कर रहे हो लड़ाई, तो क्या किया जाए भाई, करने घर पर नहीं कर देते, अलग कर देते, न्यारा कर देते उसे। ऐसे ही दक्षिणी सूडान को अलग कर दिया। अच्छा सर जब दक्षिणी सूडान अलग हुआ ना साथियों, मैं आपको बता दूं सर फिर क्या दिक्कत हो गई, मैंने कि ये जब लड़ाकू लोग होते हैं उन्हें अलग कर दो फिर भी वो अपने आपस में लड़ने लगते हैं, उनकी तो आदत ही हो जाती है ना। ये तो बात सही कह रहे हैं सर, हमने कि जब इनको हमने स्वतंत्र भी कर दिया, फिर इनके जो राष्ट्रपति है ना सर, कि कौन से सर, कि सलाबीर कीर है नाम का। अच्छा इनके नाम तो थोड़ा टिपिकल होते हैं, सलवा कीर नाम से हैं, ये डिनका समुदाय से बिलोंग करते हैं, और सर जो वाइस प्रेसिडेंट है ना ये राइक मैच्योर नाम से हैं, द न्यूअर इन से समुदाय। इन दोनों समुदाय में हो गया झगड़ा सर, जब झगड़ा हो गया तो बहुत बड़ा सिविल वार छिड़ गया, क्योंकि जातिवादी लोग ये बहुत ज़्यादा समुदाय को मानते हैं। ये है करंट की न्यूज अभी जो बनी है, और सूडान तो वैसे भी विवाद में रहता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता है सर। अब हम दिखा देते हैं आपको सूडान है कहाँ। ये हैं आपके जो 5 मेंबर हैं सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल में, चाइना फ्रांस रसिया और यूएस किंगडम, यूएसए है और यूनाइटेड किंगडम है। ये हैं सर दो दो साल के लिए रहते हैं जो आपके असेंबली में हैं, ये 10 देश हैं वो दो दो साल के लिए अस्थायी रहते हैं, ठीक है सर। ये तो है यूनाइटेड काउंसिल। अब मैं आपको साथियों कहाँ की सैर कराते हैं, अफ्रीका की। सर सुना सुना सा नहीं लग रहा है अफ्रीका, मैंने गजब के आदमी है भाई, तीनों रेखा ले रखे हैं, कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को, कर्क भूमध्य मकर को, गजब के आदमी है कि नहीं। तीनों रेखाएं सर गुजरती हैं, कहते हैं हमारे यहाँ से गुजरोगे तो तीनों लोग गुजरोगे, हम तीनों का मजा लेंगे एक का नहीं लेंगे। अच्छा सर ये है सर प्यारे मित्रों ध्यान से देखना सूडान है, ये पुराना मैप थोड़ा आ गया है, यहीं से दक्षिणी सूडान अलग हुआ है साथियों, ये अपडेट कर देंगे हम इसे, यहाँ से दक्षिणी सूडान अलग हुआ है। सर सूडान तो आपने पढ़ाया था मैंने कि अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना दक्षिणी सूडान, सूडान कि हाँ सर, कि सुना सुना सा नहीं लग रहा है कि हाँ, विक्टोरिया से, लेक ऑफ विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, याद किया करें आप। अच्छा सर इथोपिया में है लेक ताना झील, ताना झील से निकलती है कौन सी, ब्लू नील झील। सर सूडान में एक जगह है मैंने कौन सी बता देना कमेंट बॉक्स में। सर खारतूम है ना, खारतूम में दोनों झीलें मिल जाती हैं, कौन सी, व्हाइट नील और ब्लू नील, वो किस नाम से कहलाती हैं फिर, नील नदी से सर, फिर वो मिस्र से होते हुए निकलती है ना। अरे सर मिस्र में तो गजब की बात है ना, मैंने क्या उसमें सर आसवान डैम बना हुआ है, और मिस्र की राजधानी कायरो भी इसी नील नदी पर है सर, और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। अच्छा सर ये है रेड सी, यहाँ बोवा मंडल है, बिल्कुल सर ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसे क्या कहते हैं सर, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये सर इरिट्रिया है, यहाँ डीजे भी टू है, और ये सोमालिया है। सर सोमालिया सुना सुना सा नहीं लग रहा है, मैंने कहा हाँ, अरे सोमालिया के तो लुटेरे ही बहुत फेमस हैं सर, इसके लिए हमने अपहरण चलाया था, अपहरण नाम से एक वो चलाया था, गजब बात कर दी सर। ये है आपका मेडागास्कर है, याद आया कुछ साथियों, नील नदी पड़ी, देखो रिविजन करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं सर आगे,
हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सर संगीतकार हैं, बहुत ही फेमस संगीतकार हैं, याद रखना है आपको वाजिद खान। ये रहे वाजिद खान। प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जून 2016 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, 4 जून आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है सर, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस है। ठीक है सर, ये रहा आपको सर ये पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमने गजब बात कर दी, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया आपने? कि हाँ सर किया तो है, फिर पीडीएफ सारी मिल जाएगी, टेंशन किस बात की है। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम पर ऑल पीडीएफ आपको मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये परिवार आपका है, बढ़ाने का कर्तव्य बार बार बोलते हैं ना, इतनी मेहनत हम आपके साथ करते हैं, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए चीज़ें लेकर के आते हैं, आप लोगों तक ले जाते हैं ना, तो आप हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि आप परिवार के मेंबर हैं, तो मेहनत करना तो हो ही है भाई। जब मेहनत करना है तभी तो परिवार आगे बढ़ेगा ना, ये परिवार एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगा साथियों, ये प्रॉमिस मेरा है आपसे। प्लीज़ कमेंट किया करें, प्लीज़ शेयर किया करें, मेरे लिए तो एक एक साथियों को जोड़ देना साथियों। हम आपके लिए दुनिया को भ्रमण कराते हैं, तो आप हमको भी तो दुनिया का भ्रमण करवाएं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।